हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू ऑरा। आज की रीडिंग्स है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक जोड़ी एक साइन के लिए। क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, कैसा रहेगा जून का मंथ आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस हैं और क्या मैसेजेस हैं। सो जो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं वो हैं राइटनेस, द ड्रीम, साइलेंस, गाइडेंस, ट्रस्ट, रीबर्थ, लेजीनेस, इनर वॉइस, माइंड, receptivity, breakthrough, control, new vision, guilt, celebration, comparison, the lovers, ordinariness, aloneness, playfulness, stress, totality, consciousness, we are the world, slowing down and morality. Okay. So, सबसे पहले तो हम देखते हैं mind, कंट्रोल, गिल्ट एंड गिल्ट कंपैरिजन एंड मोरालिटी, ये हमें क्या बताते हैं, प्लस कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये कार्ड्स हमें कहीं ना कहीं बताते हैं। माइंड से हमें पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रहे हैं, आप एकदम से चीज़ों पर गुस्सा करने लगते हैं, लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं, सामने वाले पर कुछ भी बोल देते हैं। जून के मंथ में एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, आप थोड़ा सा माइंड से शांत नहीं रहेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। हमें ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, आपको पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और हमें पता चल रहा है कि आप अपने माइंड का बिल्कुल सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे, जिस तरह से आपकी एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, जिस काम की आप कैपेबल हैं आप वो नहीं कर पा रहे। ओके, और मतलब एक तरह से आप थोड़े से परेशान हैं चीज़ों को लेके, आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, कि चीज़ें आपके हिसाब से चलें, ठीक है। बिकॉज टाइम ऐसा है कि बहुत कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे हिसाब से चलें और उसी वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बिकॉज आप उनको कंट्रोल करके चलना चाह रहे हैं और उन्हें जैसे चलना है वो वैसे ही चल रही है, लाइफ वैसे ही चल रही है। गिल्ट हमें बताता है कि आपको बहुत गिल्ट है अपने किसी डिसीजन पर, कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन इस डिसीजन में क्यों रहा, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को आगे अच्छी तरह से कॉन्टिन्यू कर सकें। कंपैरिजन हमें बताता है कि आप चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है अपने में या सामने वाले में या फिर सामने दो पर्सन में, ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर से मोरालिटी हमें वही बताता है जो हमें माइंड ने बताया, कि आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप हम कह सकते हैं कि आपका दिल जो है वो बंधा हुआ है, ओके, नेगेटिविटी से आप नेगेटिव सोच रहे हैं, एक तरह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पैर बन चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, इस टाइप की एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं आपको होप है दिल में कि एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं राइपनेस हमें क्या बताते हैं, राइपनेस, गाइडेंस एंड ओके, ऑर्डिनरीनेस, वी आर द वर्ल्ड एंड स्लोइंग डाउन। राइपनेस हमें बताता है कि आपको एक डेफिनेटली एक फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा मंथ का, ठीक है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली रहेगा, जो कि बहुत से अनमैरिड पीपल वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, मैरिड के लिए लाइन नहीं है, जो अनमैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस कर रहे हों, तो आप वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटने का, थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए बैक स्टेप लेने का आप सोचें, आपको ऐसा लगे कि मुझे फिलहाल चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, मुझे अभी नहीं ध्यान देना चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे सोचें। लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है राइपनेस के बाद गाइडेंस हमें क्या बताता है, गाइडेंस हमें ये बताता है कि वेट, राइटनेस के बाद गाइडेंस एंड वी आर द वर्ल्ड, ऑर्डिनरीनेस
स्लोइंग डाउन. ओके, ये चार कार्ड्स जो हैं ये हमें क्या बताते हैं, ये चार कार्ड्स हमें ये बताते हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप गाइडेंस में रहे, अगर आप सही गाइडेंस में रहे, स्पिरिचुअल गाइडेंस में रहे, टाइम टू टाइम आप चैंट करते रहे या फिर मेडिटेट करते रहे, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो आप नेगेटिव चले जाएंगे काफ़ी ज़्यादा. तो ज़रूरी ये है कि आप गाइडेंस में रहे, एक सही गाइडेंस में रहे. ठीक है, वी आर द वर्ल्ड हमें ये बताता है कि फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही फिलहाल. वैसे सबके साथ ही थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा कुछ आपको फेस करना पड़ जाए. ओके, ऑर्डिनरीनेस हमें ये बता रहा है कि आपको लालच नहीं है. ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बस मैं अपने हिस्से का लेकर आगे बढ़ूँ. ठीक है, जितना मेरी किस्मत में है मैं उतना लेकर आगे बढ़ूँ, जितना मैं लेकर चल सकता हूँ चल सकती हूँ. मेमोरीज हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, ब्लेसिंग्स हो, आपको ऐसा लगता है कि लेकिन मेरे हिस्से का तो एटलीस्ट मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, स्लोइंग डाउन हमें बताता है कि डेफिनेटली धीरे 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 बहुत कुछ अच्छा होगा, चीज़ें चेंज होंगी, आपको दिखाई देगा कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं. तो जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा. तो आप लोग नेगेटिव ना हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा समझें सिचुएशन को. अगर सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें. रीबर्थ हमें बताता है कि रीबर्थ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि रीबर्थ होगा लाइफ का. ओके, मतलब काफ़ी टाइम से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, जो डाउट्स चल रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ वो आपको बिग पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चीज़ें टर्न लेती हुई दिखाई देंगी. अब आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी तो वहाँ पे रीबर्थ होने दें चीज़ों का. ठीक है, जल्दबाजी करके अपने डिसीजंस लेकर चीज़ों को ना बिगाड़े, बिकॉज टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा. कॉन्शियसनेस का कार्ड बताता है कि टाइम फिलहाल आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी इंटेंशंस कहीं गलत नहीं है किसी चीज़ को लेके, लेकिन फिलहाल टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा वेट करें. ठीक है, देन ड्रीम का कार्ड, ड्रीम, साइलेंस, ट्रस्ट, लेजीनेस प्लस इनर वॉइस, ये हमें क्या बताते हैं. ड्रीम हमें बताता है कि आप ड्रीम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वी कैन से डे ड्रीमिंग तक कर रहे हैं आपकी. ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा. बहुत से लोग हो सकता है अपने लव्ड वन का वेट कर रहे हो, अपने लव वन का वेट कर रहे हो, और उनको लगता हो कि मैं कब मिलूंगी, मैं कब मिलूंगा, जब ऐसा होगा, जब मैं मिलूंगी तब कैसा रहेगा, मुझे कैसा फील होगा. मतलब बहुत कुछ आप ड्रीमिंग कर रहे हैं एक तरह से कि वो पर्सन कब आएगा मुझसे मिलने, कब सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, अगर हम देखें कि अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर नहीं देख रहे, तो डेफिनेटली अब पर्सनल लाइफ या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर, या आपका कोई ड्रीम जिसको आप सक्सेस देखना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं. ठीक है, आप कुछ नहीं सुनना चाहते, आप कुछ सुन भी नहीं रहे, कोई आपको बोल रहा है, तो आपका ध्यान ही सिर्फ एक जगह है. ठीक है, उस चीज़ को ड्रीम करने में. ठीक है, आप बस ड्रीम कर रहे हैं, आप बस ड्रीमिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, आप बस उसके बारे में सपने सोच रहे हैं, सपने सजा रहे हैं. साइलेंस हमें बताता है कि आप थोड़ा सा शांत होकर दिमाग से चलेंगे, पॉजिटिव रहेगा मंथ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप शांत दिमाग से सोच कर चलें. ठीक है, ट्रस्ट हमें बताता है कि आप ट्रस्ट करके चीज़ों में आप कूद पड़ेंगे. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे खुद पर विश्वास है, मैं इस चीज़ को फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो स्टेप उठा लें. ठीक है, हो सकता है आपको आपके पार्टनर पे इतना ट्रस्ट हो कि आप अपने पार्टनर पे पूरा फेथ करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें. मतलब हमें यह दिखाई दे रहा है कि आप ट्रस्ट करते हुए चीज़ों में उतर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि अब सब कुछ बेटर हो जाएगा. बहुत अच्छी बात है, ये ट्रस्ट करिए, बिकॉज डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. नेगेटिव ना हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप खुद पर भी ध्यान दें. अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको ख़राब होती हुई दिखाई देंगी. लेजीनेस और इनर वॉइस. लेजीनेस हमें बताता है कि आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा आलसपना कर रहे हैं. ठीक है, आपका ध्यान नहीं है कि अगर आप और चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो और तरफ से भी दिक्कतें आ सकती हैं. तो ज़रूरी ये है कि उठकर हर चीज़ पर ध्यान दें, हर तरह से खुद को सिक्योर रखें.
ठीक है, ऐसा ना हो कि जहाँ आपका ध्यान भी नहीं है वहां से आपके पास दिक्कतें आ जाए, जो आपको लगे भी नहीं कि ये दिक्कतें भी हो सकती थी, वो दिक्कतें भी आपके सामने आ जाए। तो अपनी लाइफ को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट लेकर चलिए सिक्योरिटी के साथ। इनर वॉइस हमें बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप प्योर हैं, एनर्जी फ्लोइंग है, आपका मन भी शांत रहेगा, आप अपने मन की सुनेंगे, ठीक है, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे ऐसा करने से। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा सिक्योर रहें चीज़ों को लेके, लापरवाही ना बरतें। रिसेप्टिविटी ब्रेक थ्रू हमें ये बताता है कि रिसेप्टिविटी बताता है कि आपने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जैसा होगा ऊपर वाला करा रहा है, जैसा होगा वो आपके गॉड अल्लाह ईश्वर जिनमें भी आप मानते हैं वो करा रहे हैं। आपने सब कुछ अब सरेंडर कर दिया है उनके नाम, आपको ऐसा लगता है कि आप जैसा कहोगे अब वैसा होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग से चलना ही नहीं चाहते, आप थक चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा। देन ब्रेक थ्रू हमें बताता है कि एक इमोशनल बैरियर जो काफी टाइम से आप परेशान थे बहुत ज्यादा, वो टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत परेशान थे इमोशनली चीजों को लेके काफी टाइम से, अब वहां से आप जो बैरियर लगा हुआ था, जो एक बैरियर था जिसने आपको, जो इमोशनल बैरियर एक बन के खड़ा हुआ था ना आपकी लाइफ में, अब आप उसको ब्रेक करोगे, आप उसको तोड़ोगे और डेफिनेटली आपको वहां से इंस्टेंट सक्सेस मिलेगी, इंस्टेंट आपको वहां से एनर्जीज मिलेगी, इंस्टेंट पॉजिटिविटी मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे आपको आपके पार्टनर का अटेंशन मिलने लग जाए प्रॉपर तरह से और ज्यादा, जिसकी आपको नीड है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बेटर होती हुई दिखाई देंगी। न्यू विजन हमें बताते हैं कि आप चीजों को एक नए नजरिए से अब देखोगे। आप अब बहुत टाइम से जहां स्टक थे, स्टक फील कर रहे थे, वहां अब आप चीजों को नए नजरिए से देखकर मैनिपुलेट करोगे, कहीं ना कहीं आप उनको एक पॉजिटिव रास्ते से देखोगे, नेगेटिव सोचने की बजाय अब आप पॉजिटिव सोचोगे, ठीक है। सेलिब्रेशन हमें बताता है कि जैसी भी सिचुएशन फिलहाल है आप डेफिनेटली उसको मैनेज करोगे, कॉप अप करोगे वहां पे, ठीक है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पतझड़ में भी ये तीन लेडीज हैं डांस कर रही हैं, मतलब आप हर सिचुएशन में खुद को संभालोगे। उसके बाद द लवर्स, डेफिनेटली अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेज हैं तो वो ठीक होंगी, डोंट वरी, ठीक है। लव लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी बहुत, तो डेफिनेटली वो आपको बेटर होती हुई दिखाई देगी। एक प्योरिटी, एक लव रिलेशनशिप, बहुत ही सुंदर सा सोलमेट कनेक्शन आपको जून के मंथ में दिखाई देगा। एक दूसरे के लिए प्रॉपर तरह से प्योरिटी होगी मन में, तो घबराए नहीं। अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान है तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके लिए बिल्कुल प्योर है, ठीक है, वो आपके लिए हर तरह से ट्रू है। तो अगर आप इन चीजों को लेकर परेशान है तो खुद को इतना परेशान ना होने दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अलोननेस हमें बताता है कि आप जिस भी रास्ते पर होंगे जून के मंथ में, डेफिनेटली आप सही रास्ते पर होंगे, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल ठीक होगा, तो आप उसी रास्ते पर चलें, आपको सक्सेस वहीं मिलेगी, उसी रास्ते से आपको खुशियां मिलेंगी। प्लेफुलनेस बताता है कि हो सकता है आपके मन में बहुत सी बातें हों, लेकिन आप आसपास के लोगों को वो उन चीज़ों का आसपास के लोगों को वो ऑब्जर्व ना करने दें। आप उनके सामने खुश रहें और खुश रहेंगे और उनको भी खुश रखने का पूरा पूरा ध्यान करेंगे कि मुझे इनको भी खुश रखना है, मुझे नहीं दिखाना कि मेरे साथ कितनी दिक्कतें हैं। हो सकता है आपके लिए मन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहे और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ है कि कोई आपका ही आपको हर्ट ना करे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें कि स्ट्रेस, आप इतने स्ट्रेस में हैं और आपका ध्यान भी नहीं कि कोई बहुत ही क्लोज पर्सन, कोई क्लोज वन आपको हर्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहें, थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ ना करें किसी पर। अब ऐसा भी नहीं कि आप हर किसी पर शक करने लग जाएं, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहें। टोटैलिटी हमें बताता है कि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, जल्दबाजी में। बिकॉज अगर ये चीज आप लव लाइफ को लेके परेशान है तो डेफिनेटली आपको लव लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अगर ये चीज फाइनेंसेस को लेके है तो डेफिनेटली चीजें सुधरेंगी धीरे धीरे, बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ना हो। जो गाइडेंस कार्ड आप लोगों के लिए है वो ये है कि एक्सपीरियंसिंग,
ठीक है, एक्सपीरियंसिंग हमें बताता है कि आप काफी टाइम से किसी चीज को फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या आपकी लव लाइफ हो सकती है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, आप काफी टाइम से इस चीज को फेस कर रहे हैं. वैसे ये कार्ड मेनली लव लाइफ के लिए आता है, तो मैं लव लाइफ ही बोलूंगी. तो अगर आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ, तो परेशान ना हो, ये चीज़ आपके लिए एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी है. जितना टाइम लिखा है एक्सपीरियंस करना, डेफिनेटली आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन इसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो प्लीज़ इसमें, इस टाइम में खुद को इतना नेगेटिव ना होने दें कि आपको गलत स्टेप उठाने की सोचें या जल्दबाजी में अपना रिलेशनशिप बिगाड़ लें, ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस रखें, एवरीथिंग विल बी ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय.